नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करते रहते हैं, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में काफ़ी अलर्ट भी हम लोग आपको देते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर, बैंकिंग में ऐसे कौन से स्टॉक हैं, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म बट फॉर द लॉन्ग टर्म, कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट इतनी मजबूत है, जिनमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो आप कम से कम उसको सजेशन दे दें ताकि हम लोग उन्हें अपने वॉचलिस्ट में रख लें, और जब भी कभी करेक्शन आए, जब भी कभी बैंकिंग स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, तो हम ऐसे करेक्शन में उन स्टॉक्स में SIP कर सकें। तो आज पर्टिकुलर कुछ बैंकों के बारे में बताएंगे, और अगर ये वीडियो पे 5000 से ज़्यादा लाइक आते हैं तो ऐसे कुछ और स्टॉक बताएंगे जिसमें आप जब भी करेक्शन आए तो आपको ऐसे स्टॉक SIP के थ्रू 3 से 5 सालों के लिए आपको उनमें निवेश करना चाहिए और आपके अच्छे रिटर्न बनेंगे। तो देखिएगा, पहले तो बता देता हूँ, जितने भी व्यूअर हैं उनको बता देता हूँ, ये जो पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक्स की, वो 3 से 5 सालों के लिए है, ना कि 2-3 मंथ के लिए। क्योंकि इस समय आपको पता है बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बैंक निफ्टी में कभी भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि केवल न्यूज़ ड्रिवन चीज़ें चल रही हैं। तो शॉर्ट टर्म वाले बिल्कुल भी किसी भी तरीके से इन बैंकों पर ध्यान ना दें, केवल बात होगी लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे स्टॉक जिसमें आप SIP करके मंथली बेसिस पे आप एक अच्छा एवरेज बना के लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट बना सकते हैं। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा हमारा, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। अगर जल्द से जल्द हम लोग 100K की फैमिली होते हैं तो आप लोगों को एक नई चीज़ देखने को मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ वेरी गुड। तो जल्द से जल्द हम लोग को होना है 100K की फैमिली, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके आप चेक कर सकते हैं। तो देखिएगा, आपको पता है दोस्तों कि अभी जो HDFC बैंक के रिजल्ट आए, उसके बाद देखिएगा आपको ये देखना है कि और बैंकों का रुझान कैसा रहेगा, और कौन से ऐसे बैंक हैं जिनकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट इतनी अच्छी है जो टक्कर देती है HDFC बैंक को और अदर बैंक्स को, और काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर भी है उनका। तो बात करेंगे आज कुछ ऐसे बैंकों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे ICICI बैंक के बारे में। तो देखिएगा, आपको पता है ICICI बैंक बहुत बढ़िया क्वार्टर के रिजल्ट आए थे पिछली बार। जो कमेंट्री आई थी, वो कमेंट्री में क्या कहा था उन्होंने कि इनने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छा एफिशिएंट बनाया है ड्यू टू COVID-19। सेकेंड चीज़ इनने एक बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि इनने एक्सपेंसेस को कम किया है, जिससे इनने रेवेन्यू बढ़ाए हैं, और मार्केट शेयर भी इनका बहुत अच्छा है। इनके डिपॉजिट के फ्लो 27% के आसपास कुछ बढ़े थे। तो ये देखिएगा, ये एक ऐसे बैंक हैं जिनमें आपको वैल्यू देखने को मिल सकती है, और वैल्यू दिख भी रही है, क्योंकि ये स्टॉक्स अगर आप बात करें COVID-19 से पहले, यही स्टॉक आपको 540-545 के आसपास देखने को मिलता था, इस समय आपको देखिएगा 414 देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, स्टॉक देखिएगा काफ़ी करेक्ट हुआ था, देन आफ्टर दैट वहाँ से एक मूवमेंट देखने को मिला है। बहुत सारे लोगों ने इसको शायद 300 के लेवल पे भी ले रखा होगा, 320 के लेवल पे भी ले रखा होगा। आपको पता है 290 के लेवल पे तो हमने ही सजेस्ट करा था, 290 के लेवल पे बहुत सारे लोगों ने इसे COVID-19 और उसके बाद भी काफ़ी दिन तक ये स्टॉक 290-300 तक आया है। तो उसके बाद देखिएगा वहाँ पे कुछ लोगों ने बहुत अच्छी पोजीशंस बनाई थी, और वहाँ पे उन्हें अच्छा बेनिफिट भी देखने को मिल रहा होगा। तो बात कहने की बस ये है कि देखिएगा, फाइनेंशियल बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, मार्केट शेयर अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, आने वाला समय बैंकिंग सेक्टर के लिए भी होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्कीम्स आएंगी, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा, बहुत सारी चीज़ें, सारे सेक्टर पे ध्यान भी देना है तो बैंक्स ही देंगे। तो प्राइवेट बैंक में ICICI बैंक में अभी वैल्यू है। तो कभी भी स्टॉक में करेक्शन आता है, मंथली बेसिस पे आप छोटी छोटी SIP इस पर्टिकुलर बैंक में कर सकते हैं फॉर 3-5 ईयर, 3 से 5 सालों के लिए। सेकेंड बात करेंगे तो देखिएगा, आप बात करेंगे सरकार किस चीज़ की बात कर रही है, कि सरकार कह रही है कि आने वाले समय में हम स्मॉल स्केल सेक्टर की बात करेंगे, स्मॉल स्केल सेक्टर को मजबूती देंगे, और इसी सेक्टर में काफ़ी इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं। तो इनसे जुड़ा हुआ एक जो बैंक है वो बंधन बैंक है। आपको पता होगा बंधन बैंक के अगर आप उठा के देखेंगे मार्केट शेयर, तो देखिएगा उन्हें स्मॉल स्केल सेक्टर पर सबसे ज़्यादा काम करते हैं वो, उनके रेवेन्यू इंटरेस्ट इनकम भी वहाँ से जनरेट होती है। तो ये पर्टिकुलर बैंक भी देखिएगा, अगर आप देखेंगे COVID-19 के पहले, तो देखिएगा जस्ट डबल के आसपास के भाव पे था,
और देखिएगा बहुत शार्प करेक्शन आया था, बहुत ज़्यादा करेक्शन आया था, बट उसके बाद से रिकवरी भी अच्छी देखने को मिली है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से कोई करेक्शन नहीं आएगा। अभी ये स्टॉक दो क्वार्टर पहले स्टॉक ने 400 रुपये के आसपास 390 के आसपास का हाई बनाया था, फिर वहाँ से बहुत सारे लोगों ने स्टेक बेचा था, लेकिन जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन थे, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन, उन्होंने हाथों हाथ माल खरीद लिया था। जितने हाथों हाथ शेयर्स थे 320 340 जितने भी लेवल पे मिले उन्होंने बाय करे थे, आप देख सकते हैं डेटा उठा के। तो देखिएगा स्मॉल स्केल सेक्टर अगर आने वाले सालों में 2-3 सालों में बेहतर रहता है तो इस पर्टिकुलर बैंक में भी पोटेंशियल है कि ये आगे ग्रोथ दिखाए, और लॉन्ग टर्म में 3-5 ईयर्स में आपको ये पर्टिकुलर भी अच्छा, ये बैंक भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। बैलेंस शीट भी आप चेक कर सकते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट भी चेक कर सकते हैं, अपना होमवर्क भी करिए। क्यों करिए? ताकि आपको बिल्कुल जो आंखों जो कहा जा रहा है वो दिखे भी, जो कहा जा रहा है वो दिखे भी, क्योंकि अगर आप बैलेंस शीट उठाओगे आपको दिखेगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखेगी, रेवेन्यूज दिखेंगे। प्रॉफिट बुकिंग और बैंकिंग स्टॉक्स में करेक्शन आपको पता है क्योंकि अभी बहुत सारी असमंजस बनी हुई बची हुई हैं, बहुत सारे एनपीए से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें ये, लेकिन शॉर्ट टर्म चीज़ें, शॉर्ट टर्म चीज़ें देखिएगा बिल्कुल शॉर्ट आउट नहीं करी जा सकती। शॉर्ट टर्म अगर आप आदमी हैं केवल शॉर्ट टर्म की सोचते हैं तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट भी बुक कर लीजिए। 285 पे स्टॉक हम लोगों ने आपको सजेस्ट किया था अभी रिजल्ट सीरीज में, अभी स्टॉक ने जल्दी में हाई बनाया था, आपने देखा होगा 328 का, तो शॉर्ट टर्म का है तो कोई दिक्कत नहीं, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, जब भी करेक्शन पे मिले स्विंग ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट लॉन्ग टर्म में वैल्यू अगर आपको देनी है SIP करिए, छोटी छोटी SIP करिए और अच्छी तरीके से एवरेज बनाइए और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट अच्छा उठाइए। फिर बात करेंगे जो देखिएगा रिस्की हैं, अगर आप, अब समझिएगा अगर आप रिस्क टेकर हैं, सबके लिए नहीं है ये बैंक, रिस्क टेकर हैं अगर आप, अगर आपकी लगता है कि आपकी कैपेसिटी है रिस्क टेकिंग तो, और आप अपने पोर्टफोलियो में एक छोटा बैंक भी रख सकते हैं, तो छोटे बैंक में जो पोटेंशियल है वो फेडरल बैंक में देखने को मिलेगा। तो देखिएगा इसमें भी कई सारी बातें, राकेश झुंझुनवाला जी की भी पोर्टफोलियो में भी ये पर्टिकुलर बैंक है, आपने देखा होगा इतनी सारी मारामारी के बाद स्टॉक ने रिकवर भी अच्छा किया है। अगर आप इस समय की ब्रोकरेज फर्म की अगर 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो आपको जो टारगेट हैं 70-75-80 के आसपास देखने को मिलेंगे। तो इस पर्टिकुलर अगर आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी है तो देखिएगा ये स्टॉक भी COVID-19 से पहले 90-100 रुपये के आसपास था और उस समय भी काफ़ी अच्छे इसके पॉजिटिव रिव्यू थे, ऐसे नहीं था कि निगेटिव रिव्यू थे, बट आफ्टर दैट इसने 40 का करेक्शन दिखाया था, फिर वहाँ से एक अच्छी पकड़ बनाई है। स्विंग ट्रेड के स्टॉक के लिए भी हम लोग कई बार इसको सजेस्ट करते रहते हैं जब ये 50 लेवल पे आता है या फिर 48 के लेवल पे आता है। अभी हाल ही में हम लोगों ने नतीजों के स्टॉक में भी इसको बताया था, तो देखिएगा आपको 56-57 का लेवल तो आज ही देखने को मिला था। तो यही बताते हैं अगर आप रिस्क टेकर हैं, अगर आप सोचते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में मैं एक छोटा स्टॉक रख सकता हूं बैंकिंग का, तो आपको फेडरल बैंक के साथ जाना चाहिए। जब भी ये करेक्शन पे मिले 50 के लेवल पर, 52 के लेवल पर, आपको 48 के लेवल पे, कभी भी आपको मंथली बेसिस पे आपको SIP कर सकते हैं आप इस पर्टिकुलर बैंक में भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है, नतीजे काफ़ी बेहतर आ रहे हैं। आपको देखने को मिला होगा जैसे मैंने बताया था प्रोविजंस बड़े हैं, बट लेकिन आपको पता है प्रोविजंस बढ़ाना भी एक पॉजिटिव सिग्नल ये होता है कि आप अलर्ट कितने हैं, आप अनसर्टेनिटी से टैकल करने के लिए अलर्ट कितने हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पॉजिटिव भी समझ में आएगी। तो आपको बता दिया मैंने रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, तो 3-5 ईयर्स के लिए ये छोटा बैंक भी आप SIP के थ्रू अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे ज़्यादा दिग्गज बैंक की बात करेंगे, तो देखिएगा ये स्टॉक कहाँ पे था, किस लेवल पे था, आप सबको पता है, और अब देखिएगा स्टॉक ने काफ़ी अच्छा करेक्शन दिखाया था 800 के लेवल तक का और वहाँ से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। और जो कमेंट्री आई है, HDFC बैंक की तरफ से, तो काफ़ी अच्छे मार्केट लीडर हैं, प्राइवेट में सबसे दिग्गज बैंक हैं, निफ्टी 50 का हिस्सा हैं, टॉप बैंक हैं। तो देखिएगा बैलेंस शीट भी सब कुछ सही है, ऐसे स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिलता है, बट रिकवरी भी अच्छी देखने को मिलती है। ईमानदारी का, कमाई का, बिल्कुल मेहनत का जो पैसा है आपको क्या करना है, ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स में जो बताए जा रहे हैं आपको उनमें लगाइए लॉन्ग टर्म के लिए 3-5 ईयर्स के लिए, और आपको एक अच्छा व्यू देखने को मिलेगा, एक अच्छी आपको वहाँ पे चीज़ देखने को मिलेगी, एक अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। जो शॉर्ट टर्म की अनसर्टेनिटी है मैं उसकी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ 3-5 ईयर्स के लिए। जब भी ऐसे स्टॉक्स करेक्शन में मिलते हैं SIP तेज कर दीजिए, जब भी ऊपर जाते हैं SIP धीमी कर दीजिए, समझिएगा बात को, जब करेक्शन पे अच्छे हैवी करेक्शन में मिलते हैं तेज कर दीजिए SIP, और जब धीमे हो मतलब क्या देते हैं स्टॉक भाग जाते हैं तो थोड़ा सा कम कर दीजिए।
तो HDFC बैंक को आप चेक कर सकते हैं। तो दीज आर द बैंक जिसपे आप फोकस कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। और भी अदर कुछ स्टॉक्स अगर आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे यस कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।